एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं एच के इंफरनेब को हला दूंगा, या छदंगा नहीं। सो अभी तक की एच की जर्नी में एच ने बहुत सारे पोकेमॉन्स को पकड़ा है, और आज हम देखेंगे एच के बेस्ट फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स को, और साथ ही में एच की एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन टीम बनाएंगे। सो गाइस तुम्हें वीडियो में काफी मजा आएगा। सो गाइस अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो गाइस यहाँ पर शुरुआत होती है एच के इन्फरनेब से, और एच का इन्फरनेब एक काफी अच्छा पोकेमॉन है। एच का इन्फरनेब जो कि एक फायर और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, और इसी के साथ इसे काफी अच्छे अटैक्स आते हैं जैसे कि फायर स्पिन, फ्लेम थ्रोअर, मार्क पंच और बहुत सारे। और इसी के साथ एच के इन्फरनेब के पास एक एबिलिटी है जो कि ब्लेज एबिलिटी, और इसने काफी अच्छी बैटल्स की है एच के लिए, और अपनी ब्लेज एबिलिटी की पावर से इसने पॉल की आधी से ज्यादा टीम को हरा दिया था, और साथ ही में इसने एक एलाइट फोर के साथ बैटल की है जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसी के साथ इन्फरनेब हमेशा ट्रेनिंग करता है जहाँ पर वो अपने आप को और ताकतवर बनाना चाहता है, और इसी के साथ एच के इन्फरनेब का काफी अच्छा बॉन्ड है एच के साथ, और इसने सीनो रीजन में काफी अच्छी बैटल्स भी की है। सो एच के इन्फरनेब बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसमें कोई भी शक नहीं होगा। सो गाइस बढ़ते हैं अगले पोकेमॉन की तरफ। सो यहाँ पर अगला पोकेमॉन आता है एच का सरफेच। अब एच के सरफेच को अभी तक गलार रीजन में शाइन करने का मौका तो नहीं मिला, बट यहाँ पर इसने एक अच्छी बैटल की है गैलेड के साथ। अब यहाँ पर गैलेड के साथ बैटल करते समय एच का फारफेच सरफेच में इवॉल्व हो जाता है, और साथ ही में इसने गैलेड के साथ बहुत ही अच्छी बैटल की थी, और इसी के साथ इसने गैलेड को हराया भी था, और इसने काफी अच्छी बैटल्स की हैं, बट ये एक ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन नहीं है। ये एच के एक एवरेज पोकेमॉन है जिसने कुछ बैटल अच्छी की है तो कुछ बुरी बैटल्स भी, और इसी के साथ एच का सरफेस जो कि एक प्योर फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। सो गाइस बढ़ते हैं अगले पोकेमॉन की तरफ। सो एच के अगला पोकेमॉन है स्क्रैगी, जिसे एच ने यूनोवा रीजन में पकड़ा था, और ये भी एक डार्क और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, और इसी के साथ स्क्रैगी ने भी काफी अच्छी बैटल्स की हैं, बट यहाँ पर ये भी एक एवरेज पोकेमॉन है। हालांकि इसने एच के साथ मिलकर कुछ अटैक्स को सीखा था जैसे कि फोकस ब्लास्ट, और इसी के साथ एच ने इसे काफी ज्यादा अटैक्स सिखाने में काफी समय लगाया था, और इसका बॉन्ड भी काफी अच्छा है। हालांकि इसने काफी बैटल्स जीती भी है, और ये काफी अच्छे पोकेमॉन है। अगर ये इवॉल्व हो जाए तो शायद ये और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और इसे पोकेमॉन अटैक्स को डॉज करना काफी अच्छे से आता है, पर ये थोड़ा शरारती भी है, तो इसीलिए मैं इसको इवॉल्व होते हुए देखना नहीं चाहता। मुझे स्क्रैगी ज्यादा अच्छा लगता है, और ऐसी बात नहीं है, इसने भी फारफेच की जैसे कुछ अच्छी बैटल्स भी की है। सो गाइस बढ़ते हैं अगले पोकेमॉन की तरफ। सो गाइस अब बात करने वाले हैं एच के कुछ अनऑफिशियल पोकेमॉन्स के बारे में, जैसे कि एच ने उन्हें पकड़ा है बट वो एक अनऑफिशियल पोकेमॉन है, और साथ ही में जो एच के पास होने चाहिए। तो यहाँ पर एच ने एक प्राइमेप को पकड़ा था जो कि तुम्हें याद होगा, जो कि एक फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, और साथ ही में इसने एक बैटल की थी जो कि काफी अच्छी की थी, और साथ ही में वो बैटल ये जीत भी गया था, और मेरे हिसाब से ये काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। सो मैं इसका ऐसे ही कुछ डांस देखना चाहता हूँ। सो मुझे प्राइमेप को वापस देखना है, और अगर पोकेमॉन कंपनी इसे रिटर्न करेगी तो काफी अच्छा लगेगा फैंस को भी। सो गाइस अब यहाँ पर कुछ ऐसे पोकेमॉन जो कि एच के पास होने चाहिए। बेसिकली इस पोकेमॉन को एच ने अभी तक नहीं पकड़ा है, बस ये हमारा ओपिनियन है। जहाँ पर हमने गैलारियन ज़ैपडोस को देखा है, सोच कर देखो जब एश गैलारियन ज़ैपडोस का एनकाउंटर करने के लिए जाएगा अपने पिकाचू के साथ, और बाद में उसे वो पकड़ भी लेगा। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो गैलारियन ज़ैपडोस जो कि एक फ्लाइंग और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है। मुझको पता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें सबको बेवकूफ बना रहा है। सो गाइस इसके बारे में मुझे भी पता है, बस ये हमारा ओपिनियन है। और इसी के साथ गैलारियन ज़ैपडोस की जो डिजाइन है वो बहुत ही अच्छी है, और इसी के साथ ये दूसरे पोकेमॉन के अटैक से बड़ी आसानी से बच सकता है। सो गाइस ऐसे ही पोकेमॉन अगर एश के पास होगा तो काफी अच्छा होगा। एनीवेज ये हमारा ओपिनियन था, और इसी के साथ ये सभी अनऑफिशियल पोकेमॉन्स थे। सो गाइस अब बात करते हैं कुछ ऑफिशियल पोकेमॉन्स के बारे में। सो गाइस अब जो एच का अगला पोकेमॉन आता है जो कि एच के लुकारियो। एच के लुकारियो एक स्टील और फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, और साथ ही में ये काफी पावरफुल भी है, और इसको काफी हद तक एच के ग्रेनिंजा जैसा बताया जाता है, और इसके पास मेगा फॉर्म भी है, और इसने काफी अच्छी बैटल्स की हैं जहां पर इसने बी के मैचैम को हराया था उसके जाइगेंटिक फॉर्म में, और इसे काफी अच्छे अटैक आते हैं जैसे कि ऑरा स्पीयर। और एच के लुकारियो का जो ऑरा स्पीयर है वो बाकी सारे पोकेमॉन से काफी अलग है, और साथ ही में थोड़ा पावरफुल भी। और यहाँ पर एच के लुकारियो मेगा फॉर्म में है तो तुम जान ही सकते हो ये कितना पावरफुल है, और जब एच के लुकारियो की ऑरा पावर एक्टिव होती है तब ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इसी के साथ एच के लुकारियो का एच के साथ काफी अच्छा बॉन्ड है, सो यहाँ पर इस लिस्ट में एच के लुकारियो को तो होना ही था।
सो गाइस तुम्हारे क्या ओपिनियंस है ऐश के लुकारियो को लेकर बताना मुझे कमेंट्स में। सो गाइस बात करते हैं अगले पोकेमोन के बारे में। सो यहाँ पर अगला पोकेमोन आता है ऐश का हेराक्रॉस। हेराक्रॉस एक बग और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है और शुरुआत के समय में हेराक्रॉस ने पेड़ों को चूसने में और साथ ही में बल्बसौर को चूसने में निकाल दिए थे। इसकी इन्हीं सभी हरकतों की वजह से इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। इस पगले ने बहुत ही अच्छी बैटल्स की है जहां पर इसने एक डॉन पैन को बड़ी आसानी से रोक लिया था और उसे हरा भी दिया था। और इसी के साथ इसने टोबायस के डार्क राय के साथ काफी अच्छी बैटल की थी और इसे बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी। और इसी के साथ इसने गैरी के मैगमार के साथ बैटल की है जहां पर इसके पास डिसएडवांटेज थी, पर इसके बावजूद भी इसने काफी अच्छी बैटल करी थी। गाइज ऐश के हेराक्रॉस को कभी भी कमजोर समझने की गलती मत करना, ये पगला बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो बढ़ते हैं अगले पोकेमोन की तरफ, जो कि है ऐश का हलूचा। ऐश का हलूचा जो कि एक फ्लाइंग और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है और काफी बार ऐश के हलूचा को अंडर एस्टिमेट किया जाता है, बट इसने काफी अच्छी बैटल की है कैलोस रीजन में और साथ ही में इसे बहुत ही अच्छे अटैक्स आते हैं जैसे कि एक्स सीजर। और इसने अपने ही जैसे एक हलूचा को हराया था जो कि एक शाइनी हलूचा था। और ऐश के हलूचा के पास एक खूबी है कि वो दूसरे पोकेमोन के अटैक को सहकर अपने अटैक्स को और पावरफुल कर सकता है। और इसी के साथ इसने अलान की वीवाइल के साथ एक बहुत ही अच्छा बैटल किया है। और यहाँ पर ऐश के हलूचा का ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए तो काफी अच्छा है और इसे ऐश ने कैलो सीजन में कैच किया था। सो गाइस यही थे ऐश के कुछ फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स और ये सारे पोकेमॉन बहुत अच्छे थे। तुम्हें क्या लगते हैं इन सभी के बारे में बताना मुझे कमेंट्स में। और साथ ही में तुम मुझे ऐश की एक फैन मेड पोकेमॉन टीम बता सकते हो जिसमें सारे फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स होने चाहिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। सो गाइस मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन पीस आउट।